अच्छा नाम है वो तो, मैं लाया हूं, मैं सोनिया जी को बीच में लाया हूं, इसमें क्या बुराई है? संबित क्यों पात्रा नहीं की ला बात का सकते जवाब हैं दीजिए ना। सोनिया जी को बीच में? नहीं, आपके रुक जाइए ना, एक्सपोर्ट मैं से बोल रहा हूँ, दिए सरकार सरकार में माँ सरकार में बेटे खुद बैठे हैं, 2000 एक सवाल 2008 का में, जवाब मेरा नहीं सवाल है। है पार्लियामेंट 2008 में में झूठ माँ बोलते बेटे ने हैं, क्या ली देश का बात आज? प्रधानमंत्री झूठ बोलता 2008, है, नहीं, और अमित इधर भाई, उधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट घुमाते हैं ये लोग। देश झूठ का बोलता प्रधानमंत्री है, झूठ बोल रहा है, नहीं अमित आलोक शर्मा प्रधानमंत्री देश का झूठ बोलता प्रधानमंत्री है, झूठ बोल रहा है। नहीं संबित झूठ पात्रा जवाब, देश प्रधानमंत्री का झूठ प्रधानमंत्री बोलता झूठ है बोल रहा और है, मैं चाइना आपके का साथ साथ दे बोल रहा रहा है। हूं। अरे ये गद्दार लोगों को कहां से लाते हो? मैं तो ये बिल्कुल पूरी खाते तरह से हिंदुस्तान देश का का है, खाते प्रधानमंत्री पाकिस्तान चाइना और का चाइना साथ दे का रहा है। है। ये गद्दार है देश के, ये ना महागद्दार तुम है देश के, हिंदुस्तानी मैं हो, बता रहा बाकी हूं। सारे तो और इन पाकिस्तानी गद्दारों को हैं, आपने यहां पोजीशन, आपने अंग्रेजों के गद्दारों को यहां प्लेस पिट्ठू, दिया हुआ है। गद्दार बैठ के अंग्रेजों डिबेट कर के रहे हैं, पिट्ठू, गद्दार बैठ के डिबेट कर रहे हैं। गद्दारी वो कर आप रहे हैं जो बताइए, संसद को अब झूठ मुझे बोल रहे कंप्लीट करने हैं, दिया जाए। गद्दारी वो कर रहे हैं जो देश के सामने देखिए झूठ बोल रहे हैं, अमित गद्दारी भाई वो मैं कर दस रहे हैं जो सेकंड में देश को कंप्लीट गुमराह कर करूंगा, रहे मैं हैं, बिल्कुल इनके बीच में बिल्कुल जवाब नॉर्मल वो शांत हैं, बैठा जवाब था। मैं इनके बीच में एक सेकंड नहीं कहा था, मैं नहीं, शांत बैठा गद्दार था, मैं शब्द कंप्लीट बोलोगे करूंगा। किसी दिन आमने अमित भाई सामने देखिए, बोलना, बताऊंगा गद्दार का मतलब क्या होता है। तो क्या कर लोगे, तो क्या कर लोगे? जैसे न्यूज ट्वेंटी अंग्रेजों के फोर में पिट्ठू, पानी फेंक के मारा था, ग्लास फेंक के मारा था, वैसे मारोगे? वो करोगे जैसे न्यूज ट्वेंटी फोर में मारा था गद्दार अपने एंकर को कहोगे और तो हमारे सब कुछ प्रवक्ता को होगा, और एक आर्मी के ऑफिसर अपने को? शब्द को वापस लो, वैसे मुद्दे मारोगे? पर आओ। चाइना आर्मी का के गद्दार ऑफिसर मारा मारा ना था ना नीचे आपने किसी न्यूज और, ट्वेंटी चाइना फोर से में? देश के ऊपर कब्जा नहीं, करवा आपने न्यूज लिया, ट्वेंटी फोर पीएम में आर्मी केयर्स को फंड ऑफिसर में को पैसे मारा खा था, के पिटाई बैठ की गए। थी ना? वो करोगे सवाल ना? पूछते ही गद्दार आप हैं, कर क्या सकते हैं? इंडियन को ही मार सवाल सकते हैं, पूछते ही चाइना का गद्दार पैसा खा हैं, के हमें ही मारेंगे नहीं आप? नहीं सवाल पूछते ही आप गद्दार चुपचाप, हैं, बिल्कुल गद्दार नंबर एक है। आर्मी अरे बीस गद्दार हो, जवान शहीद गद्दार करवा दिए, गद्दार 100 जवान गद्दार घायल गद्दार, करवा नॉटी दिए, गद्दार हो। पूरा देश मैं गद्दार है जो बोलता हूं सवाल पूछ नॉटी रहे हैं। गद्दार हो आप लोग, नहीं, जो नॉटी सवाल पूछ गद्दार। ले वही ये राहुल गद्दार गांधी भी है, गद्दार है, आप सुनिए अब। अरे बिल्कुल माँ गद्दार बेटे वो हैं गद्दार जो है, मैं देश से बता रहा झूठ हूं, बोल रहे आप हैं, सुनिए स्वयं शांत गद्दार से। वो हैं जिनका डबल बिल्कुल माँ स्पीक बेटे है, गद्दार है, आप गद्दार सुनिए। वो हैं जो बिल्कुल पार्लियामेंट में पैसा झूठ बोल लेके रहे हैं, चाइना से माँ गद्दार बेटे वो हैं फुर्र से जिन्होंने उड़ गए अंग्रेजी देश के बाहर कब्जों का साथ और दिया, वहां जाके ट्वीट कर गद्दार रहे हैं। वो सुनो हैं। अब शांति से बैठ के सुनिए। देखिए अमित बाकी दो भाई, अरे मेहमान भी इंतजार पार्लियामेंट से कर रहे गायब हैं, हो गए कल कल मोदी सेकेंड जी एक कहाँ सेकेंड थे, मोदी जी आलोक आलोक जी आलोक जी नहीं, मेरा मोदी जी मेरा कहाँ मेरा चले गए मेरा कल, मेरी गुजारिश अगर मोदी कोई जी सुन जब ले। डिफेंस मिनिस्टर अपना अमित भाई रेजोल्यूशन लेकर मैंने आए तो ओके मोदी आलोक जी जी आपने आए, अपनी बात को रखे। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है या आलोक शर्मा के कोट अनकोट शब्द हैं? क्विकली रिस्पॉन्ड। मैं कंप्लीट कर लूं, नहीं क्विक क्यों? देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के अपशब्द कहे जाएंगे कि वो झूठ बोल रहा है, और ये विश्व में ये जो डिबेट हो रहा है इसका महत्व नहीं भी है, नहीं ये आप सब तो ऑब्जर्व सबको हो रहा गद्दार है। बताओ, आप देखिए आप तो ग्लोबल सोनिया टाइम्स गांधी को ने, गद्दार बताओ, चलो मैं और शांत हम बैठा कहें हूं कि अमित देश भाई, आलोक नॉर्मल आलोक ठीक जी गद्दार, अमित भाई झूठ मैं बोल रहा है तो वो अमीर कह ये सकते। टक्कर का फॉर्मेट ठीक नहीं है। मैंने 9 मिनट इनको सुना, उस समय तो मैं टक्कर नहीं कर रहा था, उस नहीं समय तो बिल्कुल आपने टक्कर संबित नहीं संबित दिखाया, मैं संबित शांति से बैठा नहीं, था। आपने कुछ सवाल तो बोल आप मुझे आपने कुछ सवाल पूछे आलोक जी, अब संबित जी से जवाब नहीं, सुन लीजिए। तो संबित बोलिए, फिर मैंने आरएसएन कंप्लीट ही सिंह नहीं इंतजार किया कर रहे है। हैं, असीम बखान इन्होंने साहब इंतजार प्रधानमंत्री कर के रहे लिए हैं, कहा कि प्रधानमंत्री चुप बैठा हुआ है, डरा हुआ है और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं ना। मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप उनके पास चला जाइएगा, मैं शांति से बैठूंगा सुनूंगा। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रधानमंत्री के लिए कहा गया, ये जब कहा जाता है प्रधानमंत्री डरा हुआ है, प्रधानमंत्री की नदारत कहां है, किसके लिए कहा जाता है? प्रधानमंत्री सरेंडर कर गया मतलब देश ने सरेंडर कर दिया, मतलब आर्मी नदारत है, मतलब आर्मी काम नहीं कर। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप पूछिए जरा। आलोक शर्मा ने कहा आर्मी पीछे हट गई है और हमारी जमीन चली गई है। मैं आलोक जी को कहता हूं आप गद्दार हैं, क्योंकि आपने अभी इंडिया की आर्मी के ऊपर आक्षेप लगाया कि हमारी जमीन चली गई है। आप इनसे पूछिए कि हमारी जमीन क्या आर्मी ने सरेंडर कर दिया है? आप इनसे ये सवाल पूछिए क्या इंडियन आर्मी पीछे हट गई है? आप इस गद्दार से पूछिए जरा कि क्या इंडियन आर्मी पीछे हट गई है, जमीन सरेंडर कर दिया है जो इन्होंने प्रधानमंत्री के अपशब्द कहा? आलोक जी 25 सेकंड में आपका जवाब, पूछिए समय तब आप शांत बैठिएगा। समित जी मेरा निवेदन है, से इंडियन आर्मी के लिए मैंने एक शब्द नहीं बोला है। बोलिए आलोक, मैंने तो नहीं जमीन कहा इंडियन आर्मी पीछे चली गई, जमीन सरेंडर कौन करता अब मैं है? कह रहा हूं कि चाइनीज आर्मी जमीन सरेंडर कौन आगे करता आ है? गई है, मेरा निवेदन चाइनीज मानिए ना, आर्मी ने फिगर 4 से 8 तक कब्जा जमा लिया है और देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल फिगर रहे हैं। फोर ये फिगर फोर क्या देश है? के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं और एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसलिए सबको झूठ बोलना पड़ रहा है। नहीं तो देश का गृहमंत्री झूठ बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, केवल शी जिनपिंग इनके जो रिश्तेदार है वही सही बोल रहे हैं, इनके 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 चच्चा चाचा अरे शी भाई जिनपिंग ही सही तो बोल रहे हैं, आपके बाकी हैं, सब मोदी लोग जी तो पहले आलोक भी आलोक मिलने जाते थे, रिश्तेदार जब कोई तो आप वीजा ही के देता था हैं, चाइना वीजा देता था, रिश्तेदार आप ही के और हैं, गए झूला थे एमओयू झुलाने का जो साइन करने, साबरमती के किनारे काम रिश्तेदारी हुआ था, निभा के आए हैं। आप लेकिन एलएसी पर, एलएसी पे हमारा रिपोर्टर है, दो काम के समय एलएसी पर टेंट के हमारा रंगे हाथ रिपोर्टर पकड़े है गए थे। और हमारा एक रिपोर्टर नहीं है, हमारे हमारे कई सारे रिपोर्टर अक्रॉस द एलएसी खड़े हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर हो, चाहे वो उत्तराखंड वाला बॉर्डर हो, कई बॉर्डर्स पे खड़े हैं। रियलिटी हमें पता है, लेकिन एक मर्यादा है, रिपोर्टिंग की एक मर्यादा होती है कि स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन हम एक मंच से आगे शेयर नहीं कर सकते। अनुराग ढांडा के पास ऐसी 10 जानकारी है जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है, हम पोजिशन तक हमें पता है।
ब्लैक टॉप पे कब्जा किया, वो खबर अमीश देवगन के पास एक दो दिन पहले थी, लेकिन हम रुके जब तक सरकार की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया ब्लैक टॉप पे कब्जा हुआ। आलोक जी आप कह रहे हैं कि सर सेना सेना वहां पर मार खा रही है, आपको ऐसा लग रहा है ये सेना पर ही शक हो गया ना एक तरह से? एक सेकंड कहा अमित जी सेना मार खा रही है? आलोक भाई किसने कहा सेना मार खा रही है? मैंने शब्द इस्तेमाल नहीं किए अमित जी, मैंने मैंने कहा वीर जवान शहीद हुए हमारे, क्या सच नहीं है? आपने कहा शहीद हुए हमारे, क्या सच नहीं है? अमेरिका अमेरिकी रिपोर्ट पढ़िए, ताबूत देखिए जो चाइना में पड़े, सात मारे हमने, सात से ज्यादा मारे हमारे शहीद हुए में, हमने गलवान में बलवान हम थे, गलवान में चाहे हमने बोला आखिरी में दोनों छुप ना, गलवान में गलवान में तिरंगा हमने गढ़ा आखिरी के अंदर। ये बताइए कि अभी अनुराग ढांडा ने कहा कि 45 वर्षों में ऐसा माहौल नहीं रहा, अब 45 वर्षों में नहीं रहा, क्लोजअप करके दिखाया जाएगा। अगर आप बात कर रहे हैं तो अनुराग ढांडा ने उसके बाद